आज होगा गूगल का पर्दाफाश। हाँ हाँ, वही गूगल जिसपे आप सुबह शाम ही पूछते रहते हो ये कैसे होगा वो कैसे होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस सर्च इंजन के अंदर भी कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगे। तो चलो हो जाओ रेडी, क्योंकि आज गूगल को हम नए अंदाज में एक्सप्लोर करने वाले हैं। गूगल बहुत ही अलग है। उसने अपने एम्प्लॉयज की कैटेगरी बनाई है और उन कैटेगरीज के नाम भी रखे हुए हैं। जैसे कि अगर आप एक ठीक ठाक पुराने गूगल एम्प्लॉय हैं तो आप कहलाओगे गूगलर, और अगर आप एक न्यू भी हैं तो आप कहलाओगे नूगलर, और अगर आपने गूगल को छोड़ दिया था तो आप कहलाओगे गूगलर। नाउ लिसन टू दिस, अगर आप अपना पेट लेकर वहां जाते हो तो आपका पेट कहलाएगा डूगलर। सो फनी एंड क्यूट। अनदर फनी थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, डू यू नो गूगल का पहले नाम क्या था? इट वॉज कॉल्ड बैक रब। नाउ स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस बैक रब एंड लेट मी टेल यू द स्टोरी बिहाइंड द नेम। बैक रब एज अ सर्च इंजन जो डिफरेंट वेबसाइट्स को रैंक करता था ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी बैक लिंक्स दे हैव। That's why Backrub. जब Google आया था तो अपने साथ एक लाइफ लॉन्ग मिशन लेकर आया था टू स्कैन एवरी बुक दैट हैज एवर एग्जिस्टेड, सो दैट हर चीज का एक एवर लास्टिंग डिजिटल रिकॉर्ड हो सके। इसलिए Google के ऑफिस में बड़े बड़े ट्रक्स बुक्स भर भर के आती थी, उनको स्कैन करके लाइब्रेरी में वापस रिटर्न कर दिया जाता था। लगभग 25 मिलियन बुक स्कैन हो गई थी, और तब बुक्स के ऑथर्स को लगा कि उनकी मेहनत तो वेस्ट जा रही है, और कुछ कंपनीज ने तो गूगल को सू भी करा था। बट यू सी गूगल इज वेरी वेरी जेनरस, एंड इसलिए अगर कभी भी गूगल एम्प्लॉय की डेथ हो जाती तो उसकी जो भी सैलरी होती है उसका आधा उनके पार्टनर्स को मिलता है फॉर 10 years। आई बिलीव दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल सॉफ्ट जेस्टर फ्रॉम गूगल। सो वुड यू लाइक टू नो अनदर गूगल सीक्रेट दैट इज अ बिट फनी एंड अ बिट वियर्ड? दैट गूगल ने एक टैटू पेटेंट कराया था, और कोई ऐसे वैसे टैटू नहीं, ये एक इलेक्ट्रिक टैटू था, छोटा सा सर्किट बोर्ड जो काम भी करता था, जिसमें एक छोटा सा इंटरनल माइक्रोफोन भी था ताकि जो भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनसे आप क्लियरली कम्युनिकेशन कर सको। कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप ये टैटू कभी बनवाना चाहोगे? मी नेवर नॉट। ये वाला ना बहुत फनी है। तो गूगल ने जीमेल का अनाउंसमेंट किया along with 1 GB free storage. But logo ko yahan laga that they are lying and it must be a joke. Can you guess why? Because the date of the announcement was 1st April 2004. April Fool's Day. ऐसे ही April Fool's Day पर एक और पोपट हुआ था जो कि Google के employees के साथ हो गया था। Google ने अपने employees को एक email भेजा कि लगभग 3 feet का सांप campus में आ गया। And again, ये भी 1st April की ही बात है। So one might think that it's a joke, right? But it was not. It was a real incident. What can be done? Google's funny like that. Well, let me give you another Google gossip. Google actually owns the domain name googlesucks.com. And domain name से related एक और चीज बताती हूँ। हो सकता है आपको पहले से पता हो, but Google को Alphabet नाम की कंपनी ओन करती थी। लेकिन क्योंकि Alphabet.com नाम का domain name available नहीं था, तो Google went with abc.xyz domain name. Well, do you know that there was a thing called Help Out by Google? It was like freelancer.com or fiverr.com. Basically a place for freelancers जहाँ आप register करके पैसे कमा सकते थे। For example, अगर आप एक photographer हो तो आप अपना टाइम देके किसी की हेल्प करके एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते थे। गुड अपॉर्चुनिटी राइट? बट ये अपॉर्चुनिटी अब थी हो गई है क्योंकि ये 2015 में बंद हो चुकी है। पता है क्या, एक बार 2010 में गूगल की वजह से निकारागुआ नाम के देश में दूसरे देश कोस्टारिका ने इन्वेजन कर दिया था बिकॉज ऑफ अ टाइनी गूगल मैप एरर। मैप में निकारागुआ का एक पार्ट कोस्टारिका में शो हो रहा था, इस वजह से निकारागुआंस ने वहां घुसकर अपने फ्लैग्स वगैरह लगाने चालू कर दिए थे। Well, that's a pretty scary mistake and could have been a war starter. Well, let me give you another sort of scary fact about Google. Google एक बहुत ही अलग से कॉज के लिए कैलिको नाम की एक बायोटेक कंपनी को फंड करता है जो रिसर्च करती है कि डेथ से कैसे लड़ा जाए। सीम्स लाइक गूगल इज रियली स्केयर्ड ऑफ लीविंग द प्लैनेट। Well, jokes apart, this is a good cause. Different, but good. Well, क्या आपको ये पता था कि Google 100% renewable energy पर रन करता है, और लॉन को फिक्स करने के लिए एक मशीन आती है जिसे कहते हैं लॉन मोविंग मशीन। उसको
यूज करने की बजाय गूगल 200 बकरियां रेंट करता है एंड दीज गोट्स मॉ गूगल्स लॉन। और हाँ, आप गूगल हेडक्वार्टर्स में एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाने के लिए ऐसी बाइसिकल्स का यूज कर सकते हो। वेल, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द हिस्ट्री ऑफ गूगल लोगो एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आल्सो थिंक द फर्स्ट वन लुक्स रियली 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 पैथेटिक। लेकिन आज का गूगल लोगो का अप्रोच तो काफी मॉडर्न है। ऑल्सो आपने कभी ना कभी नोटिस करा होगा कि गूगल का ई थोड़ा सा टिल्टेड है एंड इट्स टू शो दैट गूगल डजंट सिंपली फॉलो द रूल्स। लास्ट एंड फाइनल थिंग दैट यू शुड नो, लैरी पेज एंड सर्गेई ब्रिन ने गूगल की शुरुआत की एक लेडी के गैराज को रेंट पे लेके। कैन यू गेस कि वो लेडी कौन थी? सुजन वुचिस्की, जो यूट्यूब की फॉर्मर सीईओ रह चुकी है। काफी मजा है ना? अब सच सच कमेंट करके बता देना कि इसमें से आपको कितनी चीजें पता थी और कितनी नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड यस, हैप्पी गूगलिंग। बाय बाय।